ये दोस्तों, मैं हूँ नीलेश भोसले फ्रॉम वीटूवी क्लासेस। हम लोग इंजीनियरिंग के लिए क्लासेस लेते हैं कल्याण डोंबिवलीयन दीवा स्टेशन के नज़दीक। हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जगह पे अवेलेबल है। अभी हम लोग बात करने वाले आज के सेशन में इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो सेंट्रल लाइन पे अवेलेबल है। सेंट्रल लाइन पे काफ़ी नज़दीकली कौन से स्टेशन के जगह पे, कौन से स्टेशन के नज़दीक कौन सा कॉलेज अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर सेंट्रल लाइन की बात करूँ तो सेंट्रल लाइन जो है वो शुरू होती है CST से टिल कल्याण। तो आज के सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कल्याण से लेके CST तक, मतलब CST से लेके कल्याण तक कितने कितने कौन से कॉलेज कौन से स्टेशन के नज़दीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं CST स्टेशन से। CST स्टेशन से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहला स्टेशन आता है फास्ट लोकल का, वो है भाईकला। भाईकला स्टेशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है, वो है साबू सिद्दीक कॉलेज। साबू सिद्दीक कॉलेज ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है और वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है। साबू सिद्दीक कॉलेज में अगर कौन से ब्रांच अवेलेबल है ये मैं बताने जाऊं तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में IoT एंड साइबर सिक्योरिटी, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें 66 अवेलेबल है। उसके बाद में AIML बोलूंगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसमें 60 सीट्स अवेलेबल है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी 60 सीट्स अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीट्स अवेलेबल है। मतलब बेसिकली यहाँ पे सारे कॉलेजेस, यहाँ पे सारे ब्रांचेस अवेलेबल है और सारों के सारे ब्रांचेस में 60 सीट्स है। अगर ये माइनॉरिटी कॉलेज है, इसका मतलब ये कि इसमें से 50% सीट्स कंपलसरी मुस्लिम माइनॉरिटी पीपल के लिए ही अवेलेबल है। बचे हुए जो 30 सीट्स है वो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। नाउ अगर कॉलेज के फीस के बारे में बात करूँ तो कॉलेज का फी अप्रॉक्सीमेटली है 1.41 लाख पर ईयर। अगर आपने आप सब इंजीनियरिंग यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो आपको ये कॉलेज प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है, और वो प्लेसमेंट का मैक्सिमम पैकेज, मतलब आपको जो पैकेज मिलने वाला है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज विल बी 5 to 6 लाख पर एनम रहेगा। देन अगर ये कॉलेज की मैं बात करूँ तो ये वाला कॉलेज, ये वन ऑफ द कॉलेज है जो एक्चुअल में मुंबई सिटी में आता है, बाकी कोई भी कॉलेज मुंबई सिटी में नहीं आता है। देन अगर मैं वहाँ से आगे आता हूँ तो आगे वाला स्टेशन जो आएगा अपना वो है माटुंगा। नाउ माटुंगा के यहाँ पे अपने को दो कॉलेज मिलेंगे, एक है VJTI, मतलब वीर जीजामाता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दूसरा है ICT, ICT मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। नाउ ये दोनों कॉलेजेस अपने आप में बहुत फेमस है। लाइक VJTI जो है ना वो स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, क्योंकि ये वन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे डेफिनेटली अगर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो इसका फीस क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। वेर इज ICT भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बट ICT के नाम में लिखा है उसने वो केमिकल इंस्टीट्यूट से। मतलब क्या, यहाँ से अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलो देखते हैं VJTI में कौन से ब्रांचेस है। अगर मैं VJTI की बात करूँ तो VJTI में सबसे पहला ब्रांच और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग, जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके भी 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके भी 60 सीट्स अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके भी 60 सीट्स अवेलेबल है। सिमिलरली इसमें इतने ही नहीं और भी सीट्स अवेलेबल है, मतलब और भी ब्रांचेस है, लाइक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, उसके भी 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है। नाउ ये जो कॉलेज है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसका जो फीस है डेफिनेटली कम रहेगा। तो इसका फीस फिलहाल है 85,000 पर ईयर। अभी ये कॉलेज की मैं बात करूँ तो ये कॉलेज दादर के बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही फेमस गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी MNC कंपनियाँ आती है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे आती है। एंड ये लोग पैकेज भी बहुत मस्त प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ से पास आउट होते हैं तो आपको मिनिमम 5.5 लाख का पैकेज मिलेगा, एंड मैक्सिमम अगर आपका लक अच्छा रहे और आपने अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 22 से लेके 25 लाख पर एनम का भी जॉब ऑफर मिल सकता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में से, समझे। अगर मैं दूसरे कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे आता है ICT। माटुंगा स्टेशन पे कौन सा कॉलेज आता है, तो ICT की बात करूँ तो ICT में फूड इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए 18 सीट्स अवेलेबल है। टेस्ट ऑफ एंड टेक्नोलॉजी के लिए 18 सीट्स अवेलेबल है। फाइबर एंड टेक्सटाइल के लिए 34 सीट्स अवेलेबल है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 75 सीट्स अवेलेबल है। अगर मैं और भी बात करूँ तो यहाँ पे और भी ब्रांचेस अवेलेबल है, जो है ऑयल ऑलियो केमिकल, उसके 16 सीट्स अवेलेबल है। पॉलीमर इंजीनियरिंग, जिसके 16 सीट्स अवेलेबल है।
सरफेस कोटिंग जिसके 16 सीट्स अवेलेबल है। नाउ ये सारे जो है वो केमिकल से रिलेटेड ब्रांचेस है, ये सारे केमिकल से रिलेटेड सीट्स है, ये सारे ब्रांचेस जो है वो केमिकल से रिलेटेड है, इसके लिए इसका नाम ही केमिकल इंस्टीट्यूट है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है यहाँ पे अगर आपको देनी है तो वो केमिकल इंजीनियरिंग को ही देना है, क्योंकि केमिकल इंजीनियर जो यहाँ पे यहाँ से जो पास आउट होता है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कमाता है, उसको अच्छा खासा इनकम मिलता है। नाउ ये भी कैसा है, वन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो इसका फीस भी बहुत कम है, इसका फीस है 75,000 पर ईयर। अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्लेसमेंट काफी अच्छा है और यहाँ पे आपको ईयरली 6 to 10 lakhs पर एनम का पैकेज ऑफर किया जाएगा। अभी ये माटुंगा स्टेशन हो गया, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने स्टेशन पे जो है साइंस स्टेशन। नाउ साइंस स्टेशन पे एक कॉलेज है जो है केजेस ओमेगा कॉलेज, जो सबसे वेल नोन है एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है। अभी गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज होने की वजह से ये वाले कॉलेज में कौन से ब्रांच है मालूम है क्या? चलो देखते हैं। ये वाले कॉलेज में अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके भी 60 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है एंड AI एंड डेटा साइंस जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डेटा साइंस, इसके 60 सीट्स अवेलेबल है। नाउ ये जो कॉलेज है ये कॉलेज आपको पर ईयर चार्ज करेगा 1.71 lakh पर ईयर एज अ फीस, लेकिन ये कॉलेज में जाना वर्थ है। क्यों मालूम है क्या? ये वेल नोन कॉलेज है और केजे सोमिया सायन और केजे सोमिया विद्याविहार ऐसे दो जगह पे है, उसमें से सायन वाला जो कॉलेज है ये वाला कॉलेज यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और ये वाला कॉलेज आपको ऑफर करेगा 7 to 13 lakh पर एनम का पैकेज। ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, अगर आप 1.71 lakh रुपीज पे करने का पॉसिबिलिटी है और अगर आपका स्कोर भी काफी अच्छा है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू गो टू दिस कॉलेज। ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई है। नाउ ये हुआ साइन का बात, अगर मैं साइन से थोड़ा सा आगे आऊंगा तो मुझे लगेगा कुरला। नाउ कुरला में दो कॉलेजेस है, सबसे पहला है डॉन बॉस्को और डॉन बॉस्को कॉलेज जो है वो है रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी वाला कॉलेज एंड दूसरा है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी का कॉलेज जो सिंधी माइनॉरिटी है। नाउ विवेकानंद कॉलेज जो है ना वो चेंबूर में सिचुएटेड है, वो कुरला से थोड़ा सा दूर है लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो अप डाउन करती है वो कुरला स्टेशन उतर के आइदर रिक्शा और बस यूज करके कॉलेज पहुंचती है। अगर मैं इसके सब ब्रांचेस की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉन बॉस्को कॉलेज की। अगर डॉन बॉस्को कॉलेज की मैं बात करूं तो डॉन बॉस्को कॉलेज में सबसे पहला ब्रांच अवेलेबल है वो मैकेनिकल इंजीनियर जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके भी 60 सीट्स अवेलेबल है। अगर डॉन बॉस्को कॉलेज की फीस के बारे में बात करूं तो इसका फीस है 1.35 lakhs पर ईयर। अगर इसका फीस 1.35 lakhs पर ईयर है तो ये पैकेज भी बहुत ही अच्छा ऑफर कर रहे हैं। वो मतलब क्या, अगर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग आपने यहाँ से किया और आपको प्लेसमेंट हो गया तो आपको 5 to 7 lakh पर एनम इतना पैकेज तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। नाउ सेकेंड कॉलेज जो हम लोग ने बोला था वो है विवेकानंद कॉलेज। नाउ विवेकानंद कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग, दो वो माइनॉरिटी कॉलेज है बट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे है AIML जिसका 120 सीट्स है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स जिसका 60 सीट्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 120 सीट्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का 60 सीट्स अवेलेबल है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 180 सीट्स अवेलेबल है। ये माइनॉरिटी कॉलेज होने के बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आती है। अभी आपने बीच में एक मूवी भी देखी रहेगी जिसका शूटिंग यहाँ पे हुआ था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कौन सी मूवी है वो। ओके, ये वाला कॉलेज में अगर आप फीस के बारे में बात करेंगे तो इस कॉलेज का फीस थोड़ा सा कम ही है, 1.25 lakh पर ईयर। और ये वाला कॉलेज जो है वो कॉलेज काफी अच्छा पैकेज आपको ऑफर करेगा, वो अप्रोक्सीमेटली है 7 to 22 lakhs पर ईयर। नाउ ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, एज अ फ्रेशर अगर आपको ये पैकेज मिल रहा है तो काफी अच्छा ही पैकेज है ये। और मैं बोलता हूँ कि आंखें बंद करके अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन ले लो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं डेफिनेटली तो आपको ये कॉलेज मिलेगा। कंप्यूटर एंड आईटी के लिए ये कॉलेज बहुत ही फेमस है। नाउ नेक्स्ट सेशन की मैं बात करूँ तो अपना नेक्स्ट सेशन है विद्याविहार। जैसे कि सायन, जब हम लोग सायन की बात कर रहे थे तो वहां पे भी केजे सोमिया कॉलेज था, विद्याविहार में फिर से एक बार केजे सोमिया कॉलेज है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है। और यहाँ पे कौन से ब्रांच ऑफर किए जाते हैं चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑफर किए जाएंगे,
यहाँ पे आपको ऑफर में मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में कंप्यूटर कम्युनिकेशन जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में आता है एआई एंड डीएस जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 120 सीट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के 120 सीट्स है। नाउ ये कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये कॉलेज नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। मतलब क्या, ये कॉलेज जो है वो सोमैया यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। नाउ इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में हम लोग आने वाले सेशन में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका फीस जो है वो 1.32 लाख पर ईयर है। नाउ इसका फीस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट केजे सोमैया इंस्टीट्यूट जो केजे सोमैया कॉलेज, ये वाला जो केजे सोमैया कॉलेज है वो सोमैया यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहा है। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ बहुत ही छोटा है, बहुत ही बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है यूनिवर्सिटी के केस में, इसके लिए इसका फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो ये कॉलेज को सिलेक्ट करना, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 4.32 लाख इज टू हाई फॉर मी एंड आई थिंक कि ये कॉलेज 4.32 लाख अगर आपको फीस ऑफर कर रहा है या फिर आपको बोल रहा है कि 1.32 लाख फीस है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डोंट गो फॉर इट। हम लोग दूसरा कॉलेज भी, दूसरे कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर मैं पैकेज की बात करूँ, अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये कॉलेज 4.35 लाख का अगर फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ये कॉलेज पैकेज भी काफ़ी अच्छा ऑफर करता है, जिसका एनुअल पैकेज जो है वो ऑफर करने वाला है, मतलब इसका जो एनुअल पैकेज है वो ऑफर करते हैं 10.3 से लेके 25 लाख तक। मतलब ये कॉलेज जो ऑफर कर रहे हैं वो कितना ऑफर कर रहे हैं, 10.3 से लेके 25 लाख तक आपका एनुअल पैकेज रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेशन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेशन आता है थाना स्टेशन। थाना स्टेशन पे आपको दो कॉलेजेस मिलेंगे, सबसे पहला है केसी कॉलेज। केसी कॉलेज एक पंजाबी माइनॉरिटी कॉलेज है एंड उसके बाद में दूसरा है एपी शाह कॉलेज। एपी शाह कॉलेज जो है वो जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। नाउ अगर मैं केसी कॉलेज की बात करूं तो केसी कॉलेज स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। सो अगर आपको केसी कॉलेज में जाना है तो बाय डिफॉल्ट मैं बोलूंगा केसी कॉलेज में जाओ और वहां पे कौन से ब्रांचेस है वो देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के 120 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 120 सीट्स अवेलेबल है एंड थर्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसके भी 120 सीट्स अवेलेबल है। ये तीन ही ब्रांच अवेलेबल है और ये स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है, रिक्शा वाला भी नहीं छोड़ता है, इतना नज़दीक कॉलेज है स्टेशन से। नो अगर इसके फीस के बारे में बात करूं तो इसका फी है 1.35 लाख पर ईयर, वेरस यहां से जो प्लेसमेंट मिलेगा आपको उसमें आपको पैकेज वो ऑफर करेंगे 2-4 लाख पर एनम। कोई बुरी बात नहीं है, पैकेज भले छोटा लगेगा लेकिन कॉलेज अच्छा है। अगर आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, काफी नजदीक आप रह रहे हो थाना स्टेशन के, तो ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। अभी दूसरे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ जो ठाणे में आता है वो है एपी शाह कॉलेज। एपी शाह कॉलेज में कौन से ब्रांचेस है वो देखते हैं। एपी शाह में अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके 120 सीट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके भी 120 सीट्स है, उसके बाद में आता है सीएस डेटा साइंस जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसके 180 सीट्स अवेलेबल है एंड उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है। नाउ ये कॉलेज जो है वो ठाणा स्टेशन से काफ़ी दूर है, इसके लिए मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा, बट कॉलेज तो कॉलेज है, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हो ये कॉलेज में। अगर कहीं आपको और नहीं मिल रहा है एडमिशन तो आप ये वाला कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाले कॉलेज जो है वो आपको चार्ज करेगा 1.22 लाख पर ईयर इतना फीस, वेयर एज अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो ये कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है 4-6 लाख पर एनम, इतना आपको पैकेज मिलेगा। आप अगर इंजीनियरिंग यहां से पास आउट करते हो तो आपको कितना पैकेज मिलेगा, 4-6 लाख पर एनम का पैकेज मिलेगा। नाउ अगर मैं नेक्स्ट स्टेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेशन आता है डोंबिवली एंड डोंबिवली में एक ही कॉलेज है, वो है जोंदले कॉलेज। जोंदले कॉलेज डोंबिवली में तो है लेकिन ये स्टेशन से काफ़ी दूर है। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करने वाले हो तो मैं बोलता हूँ कि ये डोंबिवली से काफ़ी दूर है, तो स्टेशन से आपको फिर से एक बार रिक्शा लेना पड़ेगा बहुत लंबा, जो आपको मानपाड़ा के नज़दीक पहुँचाएगा और वहाँ पर जोंदले कॉलेज है। नाउ ये वाले कॉलेज में कौन से ब्रांच है वो देख लेते हैं। नाउ ये कॉलेज में सबसे पहला ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके 40 ही सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद में एआई एंड एमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जिसके 30 सीट्स अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 90 सीट्स अवेलेबल है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 60 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग भी है और केमिकल इंजीनियरिंग के कितने सीट्स है, 60 सीट्स अवेलेबल है। नाउ अगर मैं इस कॉलेज के फीस के बारे में बात करूँ तो इस कॉलेज का फीस है अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख पर ईयर। अगर आप यहां से पास आउट होते हो तो आपको पैकेज ऑफर किया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.4 लाख टू 4.5 लाख पर एनम का। कोई बात नहीं है, काफ़ी दूर है कॉलेज स्टेशन से वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन
कॉलेज इतना भी बुरा नहीं है, अगर आपको कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है मुंबई साइड में तो ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, और जो यहाँ पे कल्याण और डुबिलियों के नज़दीक रहते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर मैं नेक्स्ट सेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट सेशन आता है कल्याण, एंड कल्याण इज वेल नोन फॉर, यस कल्याण इज वेल नोन फॉर V2E क्लासेस डेफिनेटली। अगर आपको ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है एंड आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो आपको बाय डिफॉल्ट आके बंद करके V2E को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तीन जगह पे अवेलेबल है। सबसे पहला ब्रांच है हमारा कल्याण वेस्ट में, जो स्टेशन से हार्डली 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दूसरा ब्रांच है हमारा डुम्बिली में, जो स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है, 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। तीसरा ब्रांच है हमारा दीवा में, जो स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और कौन से कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम और एक वीडियो के साथ में आएंगे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल्याण के आगे कौन से कॉलेजेस है, कल्याण से टुवर्ड्स करजत कौन से कॉलेज है, कल्याण से टुवर्ड्स कसरा कौन से कॉलेजेस है, प्लस ट्रांस हार्बर लाइन पे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, एंड वेस्टर्न लाइन पे कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेज अवेलेबल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ कमेंट्स या फिर कुछ फीडबैक्स देने हैं तो हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइबर, थैंक यू।